नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा का प्रोग्राम राजमंत्र। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में जो सरकार है वो बनने की कगार पे है और बीजेपी यहाँ पे जीत चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मंत्री पद किसको मिलेगा। और दक्षिणी हरियाणा की जब हम बात करते हैं, दक्षिणी हरियाणा में भी विशेष तौर पर अगर बात करें अहिरवाल की, तो यहाँ पे एक एक जो व्यक्ति है वो अपना महत्व रखता है कि मंत्री पद उसको मिलना चाहिए, और उसके पीछे के जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि दो या तीन ही जो मंत्री पद हैं वो अहिरवाल क्षेत्र में मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दावेदारी है वो किस प्रकार से है वो आपको बताऊंगा, और क्यों दावेदारी है वो उसका कारण भी आप समझ ही पाएंगे। लेकिन उसके पीछे आपको क्या लगता है कि इनमें से किसको मंत्री पद मिल जाना चाहिए, चलिए शुरुआत से बात करते हैं। जो 10 यहां पे दक्षिणी हरियाणा या अहिरवाल जो क्षेत्र है इसके अंदर 10 बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, 11 ने यहां से चुनाव लड़ा था, 11वां बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो हार गया था। अब इन 10 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राविंद्रजीत की बेटी राव आरती या आरती राव की। आरती राव को मंत्री पद क्यों मिलना चाहिए? आरती राव को मंत्री पद इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो राव इंद्रजीत की बेटी हैं, जिन्होंने की मांग करके अब की बार टिकटें ली, और जितनी टिकटें उन्होंने अपने लिए मांगी उन सभी टिकटों पर भाजपा का जो उम्मीदवार था वो जीतने में कामयाब रहा। तो सबसे पहला हक भी उनका इसी प्रकार से बनता है। लेकिन डिसाइड करना है बीजेपी को, या फिर जो कमेटी बनेगी वो डिसाइड करेगी कि मंत्री पद किसको देना है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर लक्ष्मण यादव की बात करते हैं, जो कि रेवाड़ी से अब की बार विधायक बने हैं। लक्ष्मण यादव को मंत्री पद क्यों मिलना चाहिए, उसके पीछे भी कई कारण है। लक्ष्मण यादव 2019 में बीजेपी से कोसली के विधायक रह चुके हैं, कोसली से वो जीते थे, और उस समय भी उनकी जीत का जो मार्जिन है वो काफी बड़ा रहा था, और अब दूसरी दफा वो रेवाड़ी से जीत गए हैं, तो अब की बार भी जो मार्जिन है, अगर रेवाड़ी जिले की बात करें तो वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार यहां पे भाजपा के रहे हैं, और उसके साथ साथ राव इंद्रजीत का समर्थन भी इनको हासिल है। और रेवाड़ी में अगर बात करें उस विधानसभा की, स्पेसिफिकली रेवाड़ी विधानसभा की अगर बात करें, तो ये रेवाड़ी विधानसभा जहां से कि कैप्टन अजय यादव का परिवार, लगभग अजय परिवार ही वो रहा था, लगातार 6 बार अजय यादव जी वहां से जीते, उनके पुत्र भी एक बार वहां से जीत चुके हैं, तो ये अभेद्य किला था जिसको कि भेदना इतना आसान नहीं था, और उसको अब की बार भेद दिया है लक्ष्मण यादव ने। हालांकि 2014 में एक बार पहले भी भेदा गया था, लेकिन अब की बार जो मुकाबला है वो मुश्किल नजर आ रहा था, और इनको अब की बार मंत्री पद इसलिए भी मिल जाना चाहिए कि अगर बीजेपी चाहती है कि यहां से कैप्टन अजय यादव परिवार का जो दबदबा है वो खत्म किया जाए या कम किया जाए, तो उस विषय को देखते हुए भी इनको मंत्री पद, लक्ष्मण यादव जी को मंत्री पद मिल सकता है, और यहां अगर काम करवाए बीजेपी तो वो दबदबा बन सकता है, और दबदबा अगर मंत्री होंगे तो काम ज्यादा हो पाएंगे। अब तीसरे व्यक्ति के ऊपर चलते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं अनिल यादव जी, जो कि कोसली से बीजेपी के उम्मीदवार थे और अब की बार वो जीते हैं। वो राव इंद्रजीत के समर्थक हैं, राव इंद्रजीत ने उनको टिकट दिलवाया था, और राव इंद्रजीत ने कोसली से उनको जिताने में भी बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि राव इंद्रजीत ने उनके लिए 5 से 6 जो जनसभाएं हैं वो की है, जो कि अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली थी, किसी भी चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब की बार राव इंद्रजीत ने ऐसा किया है। तो राव इंद्रजीत ने जब ऐसा किया है तो उनके खास समर्थकों में इनको भी माना जाता है, और टिकट दिलवाते समय भी इनका नाम प्रमुखता से राव इंद्रजीत के द्वारा लिया गया था। तो ये भी इस विषय को लेकर के अगले जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं ये वो भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिले की ही एक और विधानसभा का, बावल विधानसभा, जहां से कि 2 बार से लगातार मंत्री रहे थे डॉक्टर बनवारी, जिनकी कि अब की बार टिकट काट दी गई थी, और डॉक्टर कृष्ण कुमार को यहां से टिकट दिया गया था। डॉक्टर कृष्ण कुमार के ऊपर भी दबाव वही होगा कि उनसे पहले जो 2 बार यहां के मंत्री रह चुके हैं वो भी भाजपा से रह चुके हैं, लेकिन क्या उनको भी मंत्री बनाया जाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। अब अगली सीट की बात करते हैं, जो कि सबसे प्रमुख दावेदारों में से एक मंत्री पद के दावेदार हैं,
और वो है राव नरबीर जी, जो कि बादशाहपुर विधानसभा से अब की बार विजयी हुए हैं। पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था और उससे पिछली बार 2014 में वो यहीं से विधायक बने थे और मंत्री भी बने थे। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने काम ठीक ठाक किया था और अब की बार वो टिकट लेकर के खुद आए और खुद जीत का आश्वासन दिया था उन्होंने अमित शाह को कि ये जो सीट है मैं जीतने वाला हूं, आप मुझे टिकट दीजिए। और बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा किया, उनको टिकट दिया। तो इस हालात में ये भी एक मुख्य कंटेंडर मंत्री पद के बनते हैं कि जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। अब अगली बात करते हैं मुकेश शर्मा जी की, गुड़गांव से, वो भी राव इंद्रजीत के समर्थक माने जाते हैं और इस विषय को लेकर के उनको भी राव इंद्रजीत समर्थक होते हुए अगर राव इंद्रजीत हां करें तो हो सकता है कि इनको भी मंत्री पद दे दिया जाए। लेकिन एक कंटेंडर अगर महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहां पे एक कंटेंडर महेंद्रगढ़ विधानसभा और महेंद्रगढ़ ही जिला, उसके अंदर कंवर सिंह यादव जी जो कि अब की बार जीत करके आए हैं। उन्होंने जीतने के बाद आरोप भी लगाया था रामविलास शर्मा जी पे, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और काफी समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप यह लगाया था कि रामविलास शर्मा ने उनके खिलाफ वोटिंग करवाई है, गद्दारी की है। लेकिन जिस नेता को उन्होंने हराया है राव दान सिंह, जो कि कांग्रेस के एक बड़े ही कद्दावर नेता थे, उनको अब की बार इन्होंने हरा दिया है। हालांकि अब की बार भी मुकाबला त्रिकोणीय ही माना जा रहा था और जो महेंद्रगढ़ की जनता थी उसके अंदर एक बात खास ये थी कि दोनों ही जो नेता हैं, चाहे रावदान सिंह की बात कर लें चाहे रामविलास शर्मा जी की बात कर लें, इन दोनों से जनता त्रस्त थी। ये बातें जनता के बीच में चल रही थी और अब की बार कंवर सिंह यादव की तरफ इशारा हुआ और इशारा होते ही जो भाजपा का कार्यकर्ता रामविलास शर्मा से नाराज था वो कार्यकर्ता वापिस भाजपा के पास आ गया था, जो कि पिछले इलेक्शन में संदीप एसडीएम के पास चला गया था, जिसके कारण संदीप एसडीएम भी बहुत अच्छे वोट लेने में कामयाब रहे थे लेकिन रामविलास शर्मा जी उस समय पे हार गए थे। और इसी कारण से अब की बार जो वोट का कन्वर्जन हुआ है उसी कारण से कंवर सिंह यादव जी अब की बार जीते हैं। तो ये भी एक मजबूत दावा ठोक सकते हैं। अब बात करते हैं एक और विधानसभा की, जहां से कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही एक और विधानसभा है नारनौल, जहां से कि ओम प्रकाश यादव जी लगातार तीसरी बार यहां से वो जीते हैं। 2014 में वो जीते थे, 2019 में भी वो जीते और अब की बार 2024 में भी वो जीते हैं। हालांकि एक बार उनको मंत्री पद भी मिला था लेकिन कुछ समय के बाद में ही, अब परफॉर्मेंस की बात कह लें या फिर जैसे भी कह लें, लेकिन जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन वो भी राव इंद्रजीत के खास समर्थकों में माने जाते हैं। तो क्या ये मंत्री पद उनको भी मिल सकता है, ये भी बड़ा सवाल होने वाला है। एक और अगर कंटेंडर की बात करें, पटौदी विधानसभा से बिमला चौधरी, वहां से कंटेंडर हैं मंत्री पद की और वो भी 2014 में वहां से जीती थी और अब 2024 में एक बार फिर से जीती हैं। 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था, राव इंद्रजीत के समर्थकों में उनको भी माना जाता है। और साथ साथ अगर एससी कोटे की बात की जाए या फिर महिला होने के नाते की बात की जाए तो ये भी प्रबल दावेदार हैं मंत्री पद की। तो इनमें से अब किसको मंत्री पद मिलेगा वो कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये सारे लोग मंत्री पद के कंटेंडर जरूर हैं। आपको इनमें से कौन काबिल लगता है या फिर आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन बन जाना चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेकिन जितने भी नाम मैंने बताए और उनके बारे में जो चीजें आपको बताई, आपको उस बारे में क्या लगता है? जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए स्टेट न्यूज हरियाणा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।